देखो एक गल है कि रवनीत बिट्टू गाहे बगाहे भावे अकाल तख्त साहब के जथेदार साहब बारे बोलना हो भावे एस डी पी सी कोई जो है गलत कमेंट करने हो बंदी सिंह बारे हूं एक नवी गल इन्हें शुरू की हुई है यह अत निंदन योग है। याद करे खुद रवनीत बिट्टू ने कहा कि जे केंद्र खेती कानून रद्द कर दू तो असी भी सारे के सारे बंदी सिंह रिहाई लिए जे है वह नाल होके तुरंगे। पहली गल उस गल तो पलटिया, दूजी गल थे आका दिल्ली च बैठे गांधी परिवार ने राजीव गांधी के जेडे कतल दे विच लोग सी उन्हां नूं माफ करता, तुसी कुछ उन्हां तों ही सिख लो। श्रोमणी अकाली दल ते एस जी पी सी ने कोशिश करके जिहड़ी फांसी की उस वेले आर्डर सीगा वह वापस कराउण लई पटीशन पाई ते 550 सालां ते केंद्र सरकार ने उन्हां दी जिहड़ी सजा है उम्र कैद च करती। उम्र कैद तों वध राजोआणा साहब पहलां ही सजा कट चुके हैं क्योंकि 26, 27, 28 साल बिना पैरोल तो वह जेल दे विच बैठे हुए ने। इस करके बिट्टू साहब नूं एक तो अपनी जबान ते थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए। सानू पता है कि श्री अकाल तख्त साहब ढाउण वालियां पार्टियां जां उहदे च बैठ ढाउण वालियां पार्टियां च बैठे लोग अकाल तख्त साहब के जथेदार साहब नूं नहीं मन्नणगे, एस जी पी सी ते भी खटास करनगे, पर आ नवा मामला जिहड़ा शुरू कीता है यह मैं समझदा कि अत निंदण योग है और जिहड़ी साडी ह्यूमन ने मनुखता के जिहड़े साडे अधिकार ने उन्हां ते डाका पाउण वाली गल आ जो बिट्टू साहब लगे हुए हैं।